नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। दिल्ली में कोरोना संकट और वैक्सीन की किल्लत के बीच दिल्ली वालों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। स्पुतनिक वी के निर्माता दिल्ली को वैक्सीन सप्लाई करने के लिए तैयार हो गए हैं, जिससे अब लोगों को जल्द ये वैक्सीन लगना भी शुरू हो जाएगी। साथ ही केजरीवाल की वैक्सीन नौटंकी पर भी ब्रेक लग जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए, कोरोना के बीच वैक्सीन संकट से जूझ रहे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब जल्द ही दिल्ली को स्पुतनिक वी वैक्सीन मिल जाएगा और इसके लिए स्पुतनिक वी के निर्माता ने भी मंजूरी दे दी है। वैक्सीन का रोना रो रहे केजरीवाल ने खुद लोगों को ये जानकारी दी और अरविंद केजरीवाल ने कहा, स्पुतनिक वी के निर्माता दिल्ली को रूसी एंटी कोविड वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन अभी कितनी मात्रा में वैक्सीन मिल पाएगी इसे लेकर बात नहीं हो सकी है। केजरीवाल के इस बयान से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में 18 से 44 साल के उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन बंद है और केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। केजरीवाल की नौटंकियों को देखते हुए मॉडर्ना और फाइजर जैसी विदेशी कंपनियों ने सीधे राज्यों को सप्लाई करने से इनकार कर दिया था, जिससे केजरीवाल काफी बौखलाए और हाथ खड़े कर दिए थे। 18 से 44 साल के युवाओं के पास अब निजी अस्पतालों में जाकर महंगे दामों पर वैक्सीन लगवाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इस बीच अब स्पुतनिक वी के निर्माता दिल्ली को वैक्सीन सप्लाई की खबर देकर खुश कर दिया, लेकिन वैक्सीन की खबर के साथ साथ केजरीवाल ने लोगों को एक और झटका दे दिया और ये झटका है ब्लैक फंगस की दवाइयों का। केजरीवाल अब कह रहे हैं कि राजधानी में ब्लैक फंगस यानी म्यूकोमाइकोसिस के 620 मामले सामने आए हैं, लेकिन इसके इलाज के लिए जरूरी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी है। अभी तक केजरीवाल वैक्सीन के लिए केंद्र को कोस रहे थे और अब ब्लैक फंगस की दवाइयों की कमी का ठीकरा भी मोदी सरकार पर फोड़ दिया है, जिसके बाद सवाल ये है कि सब चीजों का इंतजाम केंद्र को ही करना है तो क्या केजरीवाल सिर्फ कोरोना पर राजनीति करने और नौटंकी दिखाने के लिए ही है? पहले ऑक्सीजन के लिए रोए, फिर वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठा दिया और अब ब्लैक फंगस की दवाइयों की कमी का जिम्मेदार भी केंद्र को ठहरा रहे हैं। आखिर केजरीवाल चाहते क्या है, ये हर दिल्ली वाला जानना चाहता है। दिल्ली में स्पुतनिक वी वैक्सीन की सप्लाई को मंजूरी मिली तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल ने नई नौटंकी शुरू कर दी। अब केजरीवाल वैक्सीन के बाद ब्लैक फंगस की दवाइयों की कमी का रोना रो रहे हैं और केंद्र को कोस रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।